नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक अलग तरह की रेसिपी, नई रेसिपी। आज हम नए तरह से पराठा बनाएंगे। पराठे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ऐसे पराठे आपने नहीं खाए होंगे। इसको बनाने के लिए हमने थोड़ी सी पालक ली है, फ्रेश घर की ऑर्गेनिक पालक है। अभी इसको कट कर लेते हैं। इसको 5-6 बार हमने साफ पानी से धो लिया है और अच्छे से हम सारी को कट कर लेंगे। अभी हमने एक पैन फ्राई में 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 प्याज डाल दिए और सुनहरा भूरे होने तक फ्राई करिए। अच्छे से प्याज को पकाते रहिए खूब अच्छे से। अभी थोड़े से मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और जब ये मसाले अच्छे से पक जाएं तो 1 टमाटर डाल देंगे बड़ा और थोड़ा सा चलाएंगे। अभी इसके अंदर हम पालक डालेंगे जो हमने काटी थी। और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। अभी एक तरफ हम गेहूं का आटा ले लेते हैं 1 कटोरी और सब्जी हमारी रेडी है। ये सब्जी इसके अंदर डाल देंगे। हमने नमक मिर्च इसके अंदर थोड़ा तेज डाला था ताकि आटे में अलग से नहीं डालना पड़े। और अभी हम आटा लगा के तैयार करेंगे। जैसे आप पराठा बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से। अभी गर्म है बहुत, तो थोड़ा सा रुक जाएं आप, थोड़ा छोड़ दें, सब्जी ठंडी हो जाए तब आटा लगाएं आप थोड़ा। और ये लीजिए, आटा लग के तैयार है। अभी हम पराठे बनाएंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और चलिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और पराठा बनाएंगे। जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं आप, वैसे ही बेलेंगे आराम आराम से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि हमने सब्जी के अंदर आटा लगाया है, तो सब्जी डाली है आटे के अंदर, इसलिए बहुत सॉफ्ट है। और अभी हम 2 तरह से कट लगाएंगे, एक इस साइड और एक दूसरी साइड लगाएंगे। थोड़ा सा बीच में हम जॉइंट रखेंगे इसके, पूरा कट नहीं करेंगे वरना तो अलग हो जाएगा। और अभी दोनों साइड बराबर कट करेंगे हम ऐसे लाइन में। ऐसे कट करते जाएं इसको। चाकू को उल्टी साइड से पकड़कर कट लगाएं। दोनों साइड ऐसे लाइन बना लें आप अच्छे से। और अभी जो बीच का भाग सबसे पहले कट किया था उसको पलट देंगे। और उससे पहले हम थोड़ा घी लगाएंगे सारे के ऊपर ताकि ये अच्छे से बने, तब अंदर तक पक जाएगा और ये अभी हम पलटेंगे तो चिपक भी जाएगा। तो हमारा पराठा खुलेगा नहीं। अभी एक लाइन उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और दूसरी साइड से लेंगे और ऐसे प्रेस करेंगे। तो दोनों साइड से एक एक करके उठाएंगे, एक इस साइड से पहले और फिर दूसरी साइड से। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा।
और आराम आराम से बनाएं आप, कोई जल्दी नहीं है। और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको लगता होगा कि सॉफ्ट नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं और सबको खिलाएं। इसी तरह हम सारी लाइनें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे तो डिज़ाइन हमारा बनता चला जाएगा। आपके मन में कोई और भी डिज़ाइन हो तो आप उस तरह से बना सकते हैं। पालक के पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं खाया होगा बनाकर। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिजाइनर पराठा पालक का रेडी है। ये देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम सारे बनाकर रेडी कर लेते हैं। अभी हमने तवा रख दिया है, उस पे घी लगा देते हैं अच्छे से। और अभी इसके ऊपर इसको देख लेते हैं कि गर्म हो गया कि नहीं। ये गर्म है बिल्कुल। अभी इस पर परांठे रख देंगे, और एक साथ आप दो तीन परांठे रख सकते हैं। तीन परांठे एक साथ पकाएंगे हम। वैसे नॉर्मल हम पकाते हैं तो एक ही परांठा एक पर में बनाते हैं, और अभी तीन बनेंगे। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे हम पूरे के ऊपर, ऐसे फैला देंगे पूरी। पराठे के ऊपर की परत है वो अच्छे से घी से पक जानी चाहिए। अच्छे से घी लगाने के बाद हम इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएंगे। तो मन में ये नहीं रहेगा कि ये अच्छे से पके हैं कि नहीं। एक तरफ से पक गए, ये देखिए दूसरी तरफ हम पलटेंगे। देखिए कितने करारे बने हैं एक तरफ से। अभी से भूख लग रही है, खाने का मन हो रहा है। अच्छी वाली खुशबू आ रही है बहुत ही। अभी थोड़ा थोड़ा घी और डाल देते हैं और इसको ढक देंगे दोबारा से और पकने देंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, करारे करारे परांठे रेडी हैं। ये देखिए अभी दिखाते हैं दूसरी तरफ से। ये देखिए वाह क्या बात है, देखने में कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट हैं कि आराम से टूट जाएंगे। और ये लीजिए, हमने सर्व कर दिए पुदीने वाली चटनी के साथ, जिसमें पुदीना, प्याज और नमक मिर्च है सिर्फ। और इतने सॉफ्ट हैं ये देखिए। और चटनी के साथ खाइए और सबको खिलाइए। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें डिज़ाइनर पालक पराठा।